बेस्ट एक्ट्रेस कौन? अक्सर ये सवाल अवार्ड सेरेमनी के जूरी के पाले में जाता है, वही फैसला करते हैं कि किस एक्ट्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हैरान कर दिया है, उसे बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिल जाता है, या फिर आपकी वोटिंग से तय होता है कि कौन है बेस्ट एक्ट्रेस। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा को फैशन में उनकी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को इससे एतराज है। प्रियंका के फैशन पर किसी ने लगा दिया है ग्रहण, क्योंकि उसे है प्रियंका की कामयाबी से जलन। उसे नहीं पसंद कि वो आगे बढ़े, सराही जाए, और यहाँ तक कि उसे अवार्ड मिले, ये भी उसे नागवार गुजरा है। कौन है प्रियंका का ये नया दुश्मन? तो जनाब, ये कोई और नहीं, इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर हैं, जिन्हें ये नहीं लगता कि प्रियंका बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी लेने की हकदार है। दरअसल ये सारा माजरा चीन के मकाऊ शहर में हुई आईफा की चमचमाती शाम से शुरू होता है, जिसमें इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का तमगा प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फैशन में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। मगर आशुतोष गोवारिकर इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक उसी कैटेगरी में फिल्म जोधा अकबर के लिए नॉमिनेट हुई ऐश्वर्या इस अवार्ड की असल हकदार हैं, और अपने इन विचारों का बखान स्टेज पर बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी लेने आए आशुतोष ने कुछ यूं किया। प्रियंका, तुम बहुत अच्छी हो, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैसे मिल गया, जबकि इस कैटेगरी में फिल्म जोधा अकबर के लिए ऐश्वर्या भी नॉमिनेट हुई थी। शायद इसलिए कि तुम बहुत मेहनती हो और वो नेचुरल एक्ट्रेस है। वैसे आपको बता दें कि आशुतोष की अगली फिल्म व्हाट्स योर राशि में प्रियंका चोपड़ा ही हैं। ऐसे में इस वाकये ने प्रियंका को हिला कर रख दिया है। ये कोई पहली बार नहीं जब आशुतोष ने एक्ट्रेस और ज्यूरी पर इस तरह से आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी एक और नामी अवार्ड फंक्शन में आशुतोष और होस्ट साजिद के बीच हुए हंगामे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आशुतोष की तल्ख टिप्पणी ठंडे बस्ते में जा सकती थी, लेकिन प्रियंका को लेकर आशुतोष की ये बयानबाजी अब आग लगा चुकी है, और इस आग का सीधा असर मधुर भंडारकर पर हुआ है। आखिर ये मधुर की ही फिल्म है, जिसके चलते प्रियंका को बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से लगातार नवाजा जा रहा है। ऐसे में मधुर भी कड़वे हो गए हैं। मुझे आशुतोष की बात से ठेस पहुंची है। मैं और आशुतोष अच्छे दोस्त रह चुके हैं। अगर आशुतोष को ऐसा कुछ लग रहा था तो उसे ये बात मुझसे या प्रियंका से कहनी चाहिए थी। इस तरह स्टेज पर प्रियंका पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। प्रियंका ने इस साल हर पॉपुलर अवार्ड अपने नाम किया है, क्या ये चीज इस बात को प्रूफ नहीं करती कि उनमें काबिलियत है? ये तकरार अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां आशुतोष गोवारिकर या मधुर भंडारकर की बयानबाजी से ही बात खत्म नहीं हो सकती। मसला प्रियंका की काबिलियत का है, जिसे परखना ही होगा। आशिता सेठ, जी न्यूज़, दिल्ली।